हेलो दोस्तों, सुप्रभात। मैं कविता बड़वाल स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में इन खूबसूरत से वादियों से। आज का वीडियो यहीं से शुरुआत करती हूँ, और वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट करें। तमिलनाडु में कोकला, हम लोग कोकला बोलते हैं, और शायद कोई लिमड़ी बोलते हैं, कोई पैलाड़ू बोलते हैं। ये बनता है आटे का। पहले मैंने आटा गूंदा, उसके बाद ये कुकर में बना रही हूँ मैं। कुकर में मैंने पानी रखा, जितना आटा है उसके हिसाब से पानी रखा, और फिर ऐसी रोटी जैसा गोल बनाया। ऐसी गोल बना के मैंने चाकू से काटना है, ऐसे करके, ऐसे ऐसे जैसे खस्ता बनाते ना, सेम वैसी ये ऐसे। फिर एक एक करके निकालना है, ऐसे करके निकाल के ऐसे डालना है इसको, इसमें ऐसे करके, ऐसे करके सारे जितने जितने आपको चाहिए उतना। ये नाश्ता में बहुत टेस्टी होता है। निकाल के इसको बॉयल करना है, देखो ठीक है। इसको ये अभी का डाला हुआ है ना मैंने, इसको तो घुमा दिया। जब बॉयल होगा फिर बता दे उसके बाद क्या करना है। देखो फाइनली ये बॉयल हो चुका है, इसको इतना बॉयल करना है। उसके बाद मैंने इसमें काटा है प्याज, टमाटर और लहसुन और अदरक का पेस्ट। अब मैं इसे निकालूंगी इसके मदद से, झंडी है इसके मदद से मैं इसे निकालूंगी ऐसे करके। इसका जो ये पानी है इसको नीचे करना है, वो सूखा सूखा ऊपर डालना है। देखिए देखिए, बहुत टेस्टी होता है दोस्तों नाश्ता में। आप इसको जरूर ट्राई करें। आटा आपके पास होगा, आटा गूंदें, उसके बाद जो मैंने आपको प्रोसेस दिखाया वैसे ही उसी तरीके से बनाए। ये बॉयल ऐसा हुआ ना, अच्छे से बॉयल हो चुका है। इसमें अब कच्चापन कोई भी नहीं है, ये कच्चा होता ही नहीं है वैसे। एक बार ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें कि कैसा बना आपका। बहुत टेस्टी होता है ये बना के, और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है चाय के साथ। इसका टेस्ट ही बहुत अलग सा होता है चाय के साथ। चाय बनाइए, चाय के साथ खाइए। इसको अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम से बोला जाता है। इसको कोकला भी बोलते हैं, लमड़ी बोलते हैं, और सुंदर कला भी बोलते हैं। ये मेरा बहुत ज्यादा हो गया, बनाती गई पता नहीं चला ना मुझे कितना बनाना है। चलो कोई बात नहीं, आधा मैं सुबह छौंक दूंगी। बस थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए, थोड़ा सा ये बाहर से सख्त हो जाता है, ये गीला है ना, तो जो ठंडा हो जाएगा तो ये सख्त हो जाएगा,
देखो ये खस्ता जैसा अच्छा दिखता है, जितना अच्छा दिखता है ना दोस्तों उतना ही टेस्टी भी होता है, बहुत टेस्टी होता है। एक बार जरूर बना के देखें आप। ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ इसे छोंकना कैसे है। इसमें ये कढ़ाई है लोहे की और इसमें डालूँ तेल, ये डाली मैंने तेल जितना मुझे ज़रूरत है। छोंक मारती हूँ उस पर, तेल जलने दूंगी थोड़ा सा, कच्चा तेल भी नहीं डालना क्योंकि कच्चे तेल से इसकी स्माइल कच्ची आ जाएगी, इसलिए थोड़ा इस तेल को जलने दो। उसके बाद छोंक मारो। डाली है मैंने जीरा, तेल नहीं जला, ये मैंने जीरा जीरा डालना है इसमें। देखिए छोंक, जल चुका है, इसमें धुआं आ रहा है, गैस थोड़ा कम करिए और इसमें डाले जीरा, जीरा के जस्ट बाद प्याज डालना, प्याज प्याज हल्का ब्राउन होगा, इसके बाद डालेंगे हम लहसुन और अदरक का पेस्ट। गैस अब मैं खोल देती हूँ हल्का ही प्याज ब्राउन करने के लिए। हल्का सा ब्राउन हो चुका है देखिए, इसके बाद जो मैंने अदरक और धनिया का पेस्ट, अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाया था वो पेस्ट मैं इसमें डालूंगी। ये देखो ये कच्चा खा रहा है, ये देखो इसको कच्चा खाना इतना अच्छा लगता है, ये कच्चा खा रहा है लक्की बड़वाल, मुझे कच्चा ही अच्छा लग रहा है, बोला कि कच्चा ही टेस्टी होता है। चोर चोर के खा रहे हैं, देखो चोर चोर के कच्चा खा रहे हैं। देखो ये हो गया, अब इसमें डालेंगे हम आहा खुशबू आ रही मस्त मस्त वाली खुशबू, ये देखिए टमाटर, टमाटर के बाद इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, पहले तो मैं इसको गलाने के लिए डाल दी हूँ, फिर अंदाज 2 टीस्पून। देखिए नमक गला, फिर ये नमक, ये थोड़ा टमाटर गल जाएगा उसके बाद इसमें नमक मिर्च, नमक जितने स्वाद के अनुसार, और उसके बाद इसमें डालना है धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, मिर्च, हल्दी, फिर थोड़ा सा मसाला को जलाने के बाद जो ये बनाया है आटे से इसको डालना है, फिर थोड़ा सा फ्राई करना है, फिर उसके बाद इसमें आप गार्निश करेंगे। बताती हूँ टमाटर जलने के बाद इसके बाद इसमें डालना है, टमाटर मेरे गल चुके हैं, इसमें मैं डाल दें नमक, इसमें डालूँगी थोड़ा सा जीरा पाउडर और इसमें डालूँगी हल्दी पाउडर, ज़्यादा हल्दी नहीं बस थोड़ा सा हल्दी, और मिर्च
और ये लाल मिर्च कश्मीरी, हरी मसाला 2 चम्मच, देखो मसाला मेरा बन चुका है। देखिए तो ज़्यादा नहीं करना है, बस थोड़ा सा गलने तक थोड़ा सा मसाला पक जाए। अब मैं इसमें डालती हूँ ये बनाया, इसको डालने के लिए करछी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसको डाल के फाइनल फ्राई हो चुका है, इसको हल्के हाथ से फ्राई करते हैं, जैसे सब्जी फ्राई करना है वैसे फ्राई करना है। और इसमें मैं गार्निश करूँगी धनिया, हरी धनिया, कितने में जितना सुंदर होता है ना दोस्तों, उतने खाने में सुंदर होता है, बहुत लाजवाब होता है। एक बार आप बना के ज़रूर देखें। देखिए बन चुका है, मैंने गैस ऑफ कर दिया है और हम इसे खाते हैं आराम से। अभी चाय बनना है मेरा, बहुत टेस्टी है दोस्तों, एक बार ज़रूर बना के देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, एक बार बना के ज़रूर खाते हैं, देखते हैं कैसे होते हैं चाय। आनंद ले रहे हैं ये लक बड़वाल, कैसे हो रहा मम्मी? वाह यार वाह, गजब। कैसे हो रहा है? कैसे बताओ कैसे हो रहा है? इतना टेस्टी हो रहा है।